हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टक्स 1 एम में। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 कवर करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्लास 9th में जो आपने पढ़े हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम कॉम्बिनेशंस के पढ़ेंगे, उसमें हमने सिंपल शेप्स के पढ़े थे, तो वो आपको फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड में क्या होता है, CSA ऑफ क्यूबॉइड 2HL+V होता है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, सिर्फ एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, और TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस होती है 2LVBH+HL। ये क्या है, लेंथ ब्रिथ हाइट, L से लेंथ, V से ब्रिथ और एस से हाइट। और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, एल इंटू वी इंटू एच। ऐसे हमारा क्यूब होता है। क्यूब में बस क्या होता है कि उसकी साइड्स लेंथ ब्रिथ और हाइट क्या होती हैं, इक्वल। क्यूब में हमारी लेंथ ब्रिथ और हाइट होती हैं इक्वल। तो CSA ऑफ क्यूब कितना होता है, 4A² कर्व सरफेस एरिया। TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 6A². ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम होता है A³, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती हैं, तो A into A into A वो होता है हमारा A³। ऐसे ही हमारे फिर एक आता है कॉइन, कॉन कॉन में देखो क्या करते हैं, कॉन ऐसे होता है हमारी, इसमें रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट होती है एच, और ये होती है एल स्लेंट हाइट, इसे एच हाइट, और ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, CSA ऑफ कॉन होता पाई RL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, ये कर्व का आ जाता है, और इसमें एक ये हमारा जो नीचे सर्कल बनता है इसका आता है पाई आर स्क्वायर। ये TSA होगा। और फिर वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम जो होता है इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हाइट है, एल जो स्लेंट हाइट है। एक होता है हमारा सिलेंडर, सिलेंडर में तो कर्व सरफेस ये होती हैं, ये एच हाइट हो गई, ये इनकी रेडियस हो गई आर। तो इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना होता है, 2πRH। ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस ये दो जो सरफेसेस होती हैं इनका एरिया जुड़ जाता है 2πR², क्योंकि ये सर्कल शेप में होती हैं, तो एक सर्कल का πR² और टू शेप्स का 2πR². वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है πR²H। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसे एक स्पेयर, स्पेयर ये होता है कि वो अंदर से सॉलिड होता है और सर्कल एक रिंग की तरह होता है, वो बीच में से खाली होता है होलो, और सॉलिड जो होता है वो स्फीयर होता है, तो इसकी रेडियस आर होती है। तो सिलेंडर का जो CSA और TSA बराबर होता है दोनों, क्योंकि इसे किसी भी एंगल से देखो सेम ही देखेगा। तो इसका TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4πR², और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर
वो होता है 4/3 πr³। और एक इसमें एक हेमी स्फीयर होता है, वो उसका और लिख देता हूँ मैं, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, वो होता है 2 πr² और टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का 3 πr² होता है और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर वो इसका हाफ हो जाता है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है इसका हाफ, तो 2/3 πr³। हेमी स्फीयर की शेप ऐसे बनती है, एक मतलब स्फीयर ही होता है उसको हम काट देते हैं बीच में से तो वो हेमी स्फीयर बन जाता है। इसका सी एस से इसलिए होता है, सी एस से कर्व सरफेस ये 2 πr² होता है, और जब टी एस से निकालते हैं उसमें जो सर्कल बनता है नीचे इसका एरिया ऐड होकर 3 πr² हो जाता है। ये हो गया वॉल्यूम। देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 2 cubes ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm। तो इसमें वॉल्यूम दिए हैं हमें क्यूब के 64 cm³। ये दो क्यूब्स हैं और उन्हें जोड़ के फिर एंड जॉइन एंड टू एंड एक क्यूबॉइड बन जाती है। जैसे मान लो ये कोई क्यूब है, फिर ऐसे ही एक और क्यूब इससे ऐड कर दिया हमने यहाँ से, एक और क्यूब इससे ऐड होगा जब, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब इससे पहले हमें एक क्यूब की साइड चाहिएगी, तो साइड कैसे निकालेंगे, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब, तो एक क्यूब की वैल्यू कितनी दी है 64, तो ए की वैल्यू क्या होगी क्यूब रूट ऑफ 64, तो एक की किसका क्यूब रूट होता है 4 का, क्योंकि ए 4 × 4 × 4 3 × 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64 आता, तो ये क्या आ गया हमारा क्यूब रूट 4 cm, मतलब साइड ऑफ क्यूब आ गई 4। तो अब आप जब एक क्यूबॉइड बनाएंगे जॉइन करके तो कैसे बनेगी उसकी जो साइड, इसकी यहाँ ठीक से नहीं, देखो मैं बनाऊँ शेप जो आप ठीक से समझ पाओ, ऐसे क्यूब है एक, फिर एक और इससे क्यूब बनना, तो जब हमारे दो क्यूब ऐड होंगे आपस में तो देखो इसकी 4 cm है जो लेंथ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब की इक्वल होती है, और इसकी भी फिर 4 cm है, दोनों क्यूब की इक्वल है। तो जब ये यहाँ से 4 और 4 होंगी तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी क्यूबॉइड की, 8 cm। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8 cm हो जाएगी, बाकी देखो सेम है, हाइट पहले क्यूब की 4 cm ही, अब ये क्यूबॉइड बनने के बाद हाइट सेम है, और ब्रेथ पहले भी 4 cm थी और अब भी, तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 cm और हाइट ऑफ क्यूबॉइड 4 cm। तब आपको बताइए सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया पूछा है इसमें हमसे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lv bh + lh, वैल्यू पुट करेंगे l×v यानी कि 8 × 4 + bh 4 × 4 + l length 4 × 8 × 4, तो 2 8 4 = 32 4 4 = 16 8 4 = 32। जब ऐड करेंगे 32 और 32 = 64 और 16 = 80, तो 2 × 80 तो 160 cm². तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ए बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमी स्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक बेसल है जो कि हेमी स्फीयर के रूप में कुछ ऐसे है, ये हमारा हेमी स्फीयर, ठीक है, और ये माउंटेड की गई है वाया होलो सिलेंडर। ये माउंटेड किससे करी गई, होलो सिलेंडर से, और फिर इसमें कहा था डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर इज 14 cm, डायमीटर दिया है 14 cm,
तो रेडियस क्या हो जाएगी, हेमिस्फेयर 14/2 जी 7 सेंटीमीटर, और इसमें कहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखो इसकी रेडियस जो स्पेयर की है, हेमिस्फेयर की, वही सिलेंडर की रहेगी, क्योंकि एक इससे माउंटेड है, जो इसकी है रेडियस वही इसकी होगी सिलेंडर की, ठीक है। अब आप यहाँ से यो हो गया इसका स्पेयर का सेंटर हेमिस्फेयर का, तो ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी रेडियस 7 है, तो ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर, और जब ये 7 है तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 13 है टोटल, उसमें से 7 जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसका पूछ रहा है इसमें हमसे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल वो क्या होगा, जो इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि हम कर्व को देखेंगे, और प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr2। इसमें हेमिस्फेयर का सी एस से इसलिए लेंगे क्योंकि हम जब इस शेप को देखेंगे बाहर से तो हमें ये साइड अंदर आएगी, दिखाई नहीं देगी, सिर्फ ऐसे दिखाई देगा और ऊपर ये, तो इसलिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया। तो 2πRh 2π कॉमन ले लो और आर भी कॉमन ले लो, क्योंकि आर दोनों की सेम है, 2πr कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से एच प्लस ये आर, तो 2 × π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एच प्लस आर, एच की वैल्यू 6 है और आर 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 = 44 इंटू 6 और 7 = 13, 13 × 4 = 52 और 13 × 4 = 52 और 5 = 57, तो 572 cm² इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ शेप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइन, एक कॉन के फॉर्म में एक टॉय है, ये कॉन हो गया, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमी स्पेयर, और ये माउंटेड है एक हेमी स्पेयर पर, ऐसे शेप है ऑफ सेम रेडियस, जो इसकी रेडियस है 3.5, मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, इसमें कहा है जितनी कॉन की है उतनी ही हेमी स्पेयर की है, 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, एंड टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। जब ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो ये जो हेमी स्पेयर है, क्योंकि स्पेयर होता है एक, ऐसे समझो ये स्पेयर होता है एक, इसका सेंटर है, इससे ये रेडियस भी इतनी, ये 3.5 है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, ये भी, ये भी, ये सब रेडियस होंगी। अब इसका ही हेमी स्पेयर का ये आधा पार्ट होता है, स्पेयर का आधा आधा पार्ट हेमी स्पेयर होता है, तो इसका ये सेंटर होता है, तो सेंटर से जो ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी, तो 12.5 में 3.5 जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ कॉइन की, कॉन हाइट ऑफ कॉन कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस वैल्यू को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें हमें चाहिए स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट में ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, जब रेडियस है ये हाइट है, जब ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस फॉलो करेगा, ये बन जाएगी हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर या बेस। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, देखो एल का स्क्वायर जो होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के, आर की वैल्यू 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट 12 है, 12 का स्क्वायर, रेडियस 3.5 थी, तो 3.5 का स्क्वायर, देखो जब भी 5 आए किसी डिजिट के एंड में कैसे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25
और एक नंबर से अगले से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ 3 है तो इससे अगला 4, 4 3 12, और जब स्क्वायर तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 0.25, 4 2 6 और 5 4 और 1 5 और 1, तो 156.25 ये आइए एल स्क्वायर की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट। अब 0.25 आ रहा है तो 5 तो आएगा ही, और 156 तो 12 × 13 तो ये आएगा 12.5, 125। 125 × 125 करोगे तो इतना आएगा, तो ये 12.5 का स्क्वायर रूट है। तो ये आ गया हमारी स्लैंट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, इसमें हमें कर्व सरफेस लेना पड़ेगा कौन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जब हम इस शेप को देखेंगे तो हमें ये शेप दिखेगी बाहर किसकी और ये, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम है तो पाई कॉमन आ जाएगी, एक आर कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ रह गया एल प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा 2 और एक आर रह जाएगी क्योंकि एक आर हमने बाहर ले ली। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, एल स्लैंट हाइट 12.5 प्लस 2 × r 2 × 3.5, तो ये 3.5 से 2 टाइम्स और 2 से 11 टाइम्स, तो 11 रह गया यहाँ पर, और ये 12.5 प्लस 3.5 × 2 7, तो 11 इंटू इनने ऐड करेंगे तो 19.5, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 11 5 = 55, 5 11 9 = 99 और 5 104, 10 11 1 = 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर² इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड वाया हेमी स्पेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ये हमारा कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, और ये सरमाउंटेड वाया हेमी स्पेयर, तो ये ऐसे एक हेमी स्पेयर से सरमाउंट है, ये ऊपर इसके मतलब एक हेमी स्पेरिकल शेप है, और इसमें जो कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमी स्पेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसके पहले साइड ऑफ क्यूब मान लो, लेट साइड ऑफ क्यूब वो है एल सेंटीमीटर, ये एल है, जब ये क्यू है तो ये एल है, तो ये भी एल होगी और ये भी एल होगी क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी सेम होती हैं इक्वल, तो एल लेंथ है, एल ही ब्रेथ है और एल ही हाइट है। अब इसमें कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन दी हेमी स्पेयर है। देखो अगर हम ग्रेटेस्ट कह रहा है तो हम इसे पूरे को ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इससे बाहर तो भेज नहीं सकते क्यूब से, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये भी लेंथ एल ही होगी, ये एल है तो ये भी क्या होगी एल ही, तो जो इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है वो कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमी स्पेयर है कितना हो सकता है एल, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हेमी स्पेयर की, ये जनरल सेंस है कॉमन सेंस है, कितना वो होगा डायमीटर, तो एल बाई 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी रेडियस। अब इसमें हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो देखो ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, वो सॉरी क्यूब हो गया, क्यूब में से
इसको हम इस सरफेस पे क्या आ रही है इस, ये मतलब हम जब इस सरफेस का पूरे का क्यूब का वो निकालेंगे सरफेस एरिया TS से, तो उसमें सब साइड जो इसके सब फेस हैं ये इनका एरिया आ जाएगा, क्योंकि 6 फेस होते हैं क्यूब में, इसलिए 6 स्क्वायर होता है। अब उस 6 स्क्वायर में सिर्फ ये ही है, क्योंकि इसमें अंदर एक ये हमारा सर्कल आ रहा, तो इसका एरिया घट के और उसमें CS से जुड़ जाएगा 2πr2। तो देखो कैसे करेंगे, 6 स्क्वायर उसमें से माइनस करेंगे एक इसको पाई एल आई टू स्क्वायर को, पाई सॉरी एल हमने एल लिया था पाई एल स्क्वायर, तो पाई एल वाई टू स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का, क्योंकि ये बनता है एक सर्कल इसमें, प्लस एरिया ऑफ इस हेमी स्पेयर का कर्व सरफेस आएगा हेमी स्पेयर का, तो वो कितना होगा 2πr, आर की वैल्यू एल वाई टू का स्क्वायर। अब आपको ये समझ आना चाहिए, ये इसके 5 फेस तो पूरे हो गए और 6 फेस, एक फेस पे ये आ रहा है हमारा, ये सर्कल वाली रिंग बनेगी, इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर जो ये आ रहा है हेमी स्पेयर, इसका एरिया ऐड हो जाएगा। बस अब वैल्यू पुट, वैल्यू इसमें है नहीं, एल की टर्म्स में निकालना, तो कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस ये पाई एल बाई टू स्क्वायर, ये 2πएल बाई टू स्क्वायर है, प्लस माइनस का तो कितना रह जाएगा, प्लस का पाई एल बाई टू का स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। जब इसे करेंगे तो 4×6=24L स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, तो कॉमन ले लो इससे, एल स्क्वायर कॉमन आएगा, एल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ का बच्चा 24 प्लस पाई अपॉन 4, तो ये हमारा इतने में सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यहाँ भी एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ये हमारा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, और इसमें से अब के एक अंदर से हेमिस्फीयर काटा है, इसमें से इसके एक फेस में से ऐसे, ठीक है, अंदर से डिप्रेशन में से इसमें लिखा है हेमिस्फीयरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, एक फेस में से, मतलब मान लिया ऊपर के फेस में से, और जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये अंदर को हेमिस्फीयर की शेप में दिखेगा। वुडन ब्लॉक सच डैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, जो डायमीटर है इसका तो वो है एल, और ये एज ऑफ क्यूब के इक्वल है, तो मतलब क्यूब की जो साइड है वो भी क्या है एल, तो ये भी क्या होगी एल, अगर लेंथ एल है तो ये भी विड्थ भी एल और ये हाइट भी एल। फिर इसमें कहा गया है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मैंने इससे ऊपर क्वेश्चन में दोनों मिक्स कर दिए, मैंने इसमें वैल्यू दी हुई थी हमें एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक की साइड 7 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो ये इसे मानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, सिर्फ एल की जगह यहाँ 7 पुट हो जाएगा, तो 7×7=49 और 24 प्लस 22/7 अपॉन 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 49, चलो मैं इससे अभी करूँगा, इसे सॉल्व कर देता हूँ, 49 24×7 करेंगे तो 7×4=28 का 8×2 7×2=14 और 2×16 प्लस 22 अपॉन 7 और अपॉन में है 4, तो 49 × इसे करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा 0 6×2=8 19 और यहाँ पर 1 है और ये 7 नीचे आ जाएगा, 7×4 ये 7 से 7 टाइम्स और ये 4 से 4×4=16 30 4×7=28.5 और जब आप इसे सॉल्व करोगे 7×5=35 का 5 3 7×7=49 और 3 52 2 5×7=28 32 तो 3 32.5 cm² विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 और मैंने इसकी लाइन पढ़ ली थी इसलिए वो हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसमें एक हमारा
क्यूब दिया जिसमें से एक हेमी स्पेरिकल काट लिया एक फेस में से, ठीक है, और इसमें जिसकी डायमीटर एल है, और तो इसकी साइड भी एल होगी क्योंकि डायमीटर एल है, तो ये लेंथ एल, ये भी एल और ये भी एल, फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये भी एल। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो इसमें सरफेस एरिया बताना है, ये भी सिंपल है। जब एल दिया है तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो हमने फेस से ये हम ऊपर से देखेंगे इसे, तो ये अंदर हमें डिप्रेशन में हेमिस्फीयर दिखेगा और हमें इसकी सिक्स फेस दिखेंगे, एक फेस से कट हो जाएगा इसका। तो कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कह रहा है सरफेस, ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम उसमें ऊपर था, इसमें डिप्रेशन, नीचे हमने कट कर लिया। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, किसका, क्यूब का, टी एस ए ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस कर देंगे जो इसके एक फेस पे आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल जो ये रिंग कह दो, और फिर उसमें एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके हम देखेंगे तो इसके फाइव फेस दिखाई देंगे हमें और ऊपर से इसके अंदर एक हेमिस्फीयर दिखाई देगा, उसका एरिया ऐड हो जाएगा। तो टी एस ऑफ क्यूब होगा सिक्स ए स्क्वायर, एल है तो सिक्स एल स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर टू पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर, सिक्स एल स्क्वायर, ये पाई एल स्क्वायर माइनस का है, टू पाई एल अपॉन टू स्क्वायर प्लस का, तो टू पाई में से पाई जाएगा तो प्लस का पाई एल वाई टू स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे सिक्स एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन फोर, तो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन फोर, तो एल स्क्वायर कॉमन, ट्वेंटी फोर प्लस पाई अपॉन फोर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स, ऐसे कोई हमारे कैप्सूल, कैप्सूल आपने देखा होगा, इसमें एक सिलेंडर है और जो साइड है वो उसमें दो हेमिस्फीयर्स हैं, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे की लेंथ कितनी है 14 mm, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, जो डायमीटर है कैप्सूल का वो है 5 mm, ठीक है, ये डायमीटर 5 mm। तो इसमें पूछा सरफेस एरिया, देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सिलेंडर हो जाएगा और इसमें ये दो हेमी स्पेयर्स हो जाएंगे, तो इसमें एरिया ऑफ सिलेंडर में हम क्या करेंगे, कर्व, कर्व दिखनी है हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे और उसमें दो हेमी स्पेयर्स का एरिया ऐड कर देंगे। पहले तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमी स्पेयर इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पेयर हेमी स्पेयर कितनी होगी, 5/2 mm, ठीक है, और 5/2 mm है तो आप देखो यहाँ से ये मान लिया सेंटर है हेमिस्फीयर का, ये 5/2 mm और ऐसे यहाँ पर 5/2 mm, तो जब 5/2 mm मतलब 2.5 mm, 2.5 mm और 2.5 mm जुड़ के कितना हो जाएगा 5 mm, तो इसकी अगर हम लेंथ ऑफ यानी कि हाइट है या लेंथ ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर बोलें तो कितना आएगा, 14 mm से ये ढाई ए और ढाई ए मतलब 2.5 और 2.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9 mm, ठीक है, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो इसे भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 9 mm। अब इसमें हम एरिया निकाल देंगे, सरफेस एरिया
क्या होगा? सी एस से ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें से प्लस करना है 2 इंटू, क्योंकि ये दोनों सेप सेम है हेमिस्फीयर्स की, तो मैंने 2 लिख दिया, इसलिए 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का अलग अलग निकालने से तो ठीक है कि दोनों, क्योंकि रेडियस दोनों की इक्वल है, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2, एक सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ रहेगी सिर्फ एच और यहाँ से 2 और एक आर रह जाएगी 2 आर, ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस थी 5/2, एच की वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 5/2 रेडियस, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर देखो तो अभी ऐसे लिख लो 2 इंटू 22/7 और 5/2 इंटू 9 और 5 कितने होंगे, क्योंकि ये बीच में प्लस का सिंबल है, 9 और 5 14, तो ये 7 से 2 टाइम्स और ये 2 से 2 टाइम्स, तो कितना रहेगा, 5 2 जा 10 और 10 की 22 में करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ फिगर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और जो टॉप है वो क्या है, कॉनिकल। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट दिया 2.1 मीटर और जो डायमीटर दिया है वो दिया 4 मीटर, तो रेडियस क्या होगी सिलेंडर की, ये कौन इसके ऊपर सरमाउंटेड है तो इसकी भी इतनी होगी, इक्वल होगी दोनों की 4/2, क्योंकि 4 मीटर डायमीटर है तो इसका 4/2 2 मीटर आ गई रेडियस, हाइट दी हुई है हमें और इसमें सिलेंट हाइट, कौन की सिलेंट हाइट भी दी है 2.8 मीटर, और इसमें पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग टेंट, सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट कितना होगा, सी एस से कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, क्योंकि हमें जो टेंट दिखेगा वो ये देखेगा, कर्व दिखेगा इसका, क्योंकि जो नीचे बिछेंगे वो चटाई बिछाई जाती हैं उसमें टेंट नहीं लगता नीचे कैनवास, और जो इसकी कॉनिकल शेप होगा उसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें बाहर से यही पार्ट दिखेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस, और जी कॉन का होता है सी एस से पाई आर एल, दोनों की रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2h प्लस l, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई थी हमारी 2 मीटर, 2 इंटू हाइट 2.1 प्लस स्लैंट हाइट दिए 2.8, तो ये 22/7 × 2 और 2.1 × 2 करेंगे तो 4.2 आएगा और प्लस 2.8 करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ कैनवास। इसमें आगे पार्ट में कहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब कॉस्ट जो है ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जो 1 मीटर स्क्वायर में टेंट लगाने का जो कॉस्ट है वो है 500 रुपये, तो हमें 44 सेंटीमीटर में स्क्वायर, सॉरी ये यूनिट मीटर में, क्योंकि यूनिट दी थी मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 500,
कोस्ट कितना 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 44 × 500, तो 0 0 5 4 20 5 4 20 और 2 22, तो 22,000 विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कैनवास इन 44 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट भी दी है 2.4 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर है, एंड डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, एक इसमें से कॉनिकल कैविटी काटेगी जिसका डायमीटर भी सेम है और हाइट भी, तो ये इसकी हाइट भी सेम होनी चाहिए और डायमीटर भी, तो एक ऐसी कॉनिकल कैविटी इससे होलोड आउट बाहर निकल गई है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो इसमें हम जब इसे देखेंगे तो हमें एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया दिखेगा और नीचे इसमें इसका ये जो है जो सर्कल है नीचे ये भी, और जो ऊपर से देखेंगे तो हमें एक कौन दिखेगा, तो इसका जो टोटल एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का, तो एक सी एस सी ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा प्लस इस एरिया ऑफ सर्कल होगा क्योंकि नीचे वाले पार्ट का सर्कल प्लस एरिया ऑफ सी एस सी ऑफ कॉइन, जो पार्ट हमें विजिबल रहता है जैसे इसे हम देखेंगे तो हमें ये पार्ट दिखेगा इसका कर्व, ऊपर से देखेंगे तो एक कॉन दिखेगा और ये जो इसकी फ्लैट सरफेस है नीचे की जो कि सर्कल है एक, तो क्या हो जाएगा सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस सी एस सी ऑफ कॉन कितना होता है πrl। अब l की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि 1.4 ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, तो ये हमारी हाइट होगी 2.4, ये रेडियस, तो ये सेलेंट हाइट एल की वैल्यू निकाल लेंगे हम पाइथागोरस लगा के, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, तो एल स्क्वायर आर की वैल्यू है 0.7 और हाइट कितनी है 2.4, 7 का स्क्वायर होता 49 और 1 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 डिजिट बाद आएगा क्योंकि 7 7 जब 49, तो 7 और 7.7 और 0.7 आएगा, तो 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता 576 और 4 और 4 आएंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, तो इसलिए 2 डिजिट बाद पॉइंट, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6.25, ये आया एल स्क्वायर की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 625 किसका होता है 25 का, यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट किया हमने, तो जो हमारी स्लैंट हाइट है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ कॉमन ले लो पहले, पाई रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई और आर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2 और h प्लस यहाँ से 1r पाई r चलेगी तो 1r रहेगी प्लस यहाँ से l, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की 0.7, 2 × h की वैल्यू है 2.4 प्लस रेडियस 0.7 प्लस लेंथ हाइट आई थी हमारी 2.5, तो ये 0.1 टाइम जाएगा और 22 बन जाए 22 और 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2.2 × 2 × 2.4 तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 तो 2.2 × इनको ऐड करेंगे 5 7 12 और 2 20 की 0 2 2 2 4 और 4 8 तो 8.0 आ गया ये ऐड करके,
इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 और 8 2 16 और 1 17 और एक डिजिट बाद पॉइंट है तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। और इसमें नियरेस्ट बोला है तो इसे राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.6 है तो ये 5 से बड़ा है तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इसमें फिगर भी दिया हमें, एक सिलेंडर है जिससे हमने दो हेमिस्फीयर होलोड आउट करें, ये एक ऐसे है एक नीचे से, ये हमारे दो हेमिस्फीयर हैं ठीक है, और ये सिलेंडर से हमने होलोड आउट करें। और इसमें कहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हमें 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, जब इसको हम देखेंगे इधर से तो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर एक नीचे से एक ऊपर से, तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो एक का निकालेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 तो दोनों हेमिस्फीयर्स का क्या आ जाएगा, एरिया। तो देखो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक का निकाल लो उसमें दो की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों की सेम रेडियस है, जो रेडियस इसकी है 3.5 वही इसकी होगी 3.5। तो देखो कैसे करेंगे, सी एस सी ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², तो वैल्यू पुट कर दो या पहले कॉमन ले लो, यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, h प्लस एक 2 ये रहेगा और यहाँ से एक r रहेगा ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है जब कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें दिए 3.5 और h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5 तो 3.5 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम तो यहाँ रहेगा 22 इंटू 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7 आएगा, 10 प्लस 7 17 तो 22 इंटू 17 टू या 34 3 17 टू या 34 और 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ आर्टिकल। तो इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस थे, हमने 9 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, आप अपना डाउट कमेंट में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू।